हेलो। हाँ बाबू। अरे हाँ वो, अरे वो कल पैर में लग गई थी। अरे वो क्रिकेट खेल रहा था ना, बल्ला लग गया था पैर में। बैट? अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं खेलूंगा, तुम बोल रहे थे नहीं खेलूंगा। अबे रिकॉर्ड कर, अबे बंद कर। कह खेलेंगे उसकी। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, एक बार फिर से इस गरीब के कोठे में मतलब बीबी टीम प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं इस देश की, इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मतलब कोरोना वायरस नहीं, मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन रैप स्टार्स की, इंडियन हिप हॉप की। और सबसे बड़ी बात कि ये कोरोना से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। टेंशन मतलब मैं मचाएंगे रिमिक्स या फिर एमयू के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, उनको बाद में छीलेंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मुंबई के स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रेहान खान आरके के बारे में, जिनका इंग्लिश रैप सुनकर आप रो देंगे, मतलब फूट फूट कर रोएंगे। अगर आपको इंग्लिश 0% भी नहीं आती है तो भी, मतलब तो भी आप फूट फूट कर रो देंगे। तो आ जाओ यार, शुरू करते हैं बिना समय गवाए। Hey, I'm back home, but have you gone? I can't see your face. Where have you gone? I have to face you. Huh? It's me, RK. दरअसल इस अंग्रेजी गाने में यह बंदा कहना चाहता है कि तुम बाबू कहाँ गई, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, तुम गई कहाँ, तुम आ जाओ, मैं भी वापस आ चुका हूँ, प्लीज। Are you gone? But am I feeling so alone? Ringing your number but you're not picking up the phone. Give you my heart and I give you my soul. तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये भोसड़ी का अंधरा है, क्योंकि इसे समुंदर के बीच में अपना घर ढूंढना है। अगर गाइस मैं डोरा द एक्सप्लोरर होता ना, तो आपको बताता कि समुंदर के बीच में आपको घर दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो चिल्लाइए घर। और अगर आपको ये भरोसा नहीं है ना, तो आप एक बार इस वीडियो क्लिप को खुद चालू कर देख लीजिए। ये बंदा समुंदर की ओर चश्मा लगाकर, ओबे वाली स्वैग वाली टोपी लगाकर सामने अपना घर ढूंढ रहा है। Don't think I'm letting go. I need a setting stone. I won't stop ringing until you're picking up the telephone. I know you out there somewhere. ये बंदा दरअसल रैप नहीं कर रहा है, ये बंदा पोयम सुना रहा है। ये वह पोयम सुना रहा है जो पोयम हम स्कूल में 1 की 4 वाली संतरा गोली के लालच में गाकर सुनाया करते थे। Killing my life alone. You walked out of my life. I'm looking up at the time. 12:30 didn't think I'd be writing this rhyme. I should have seen the sign. You said you put you beside this line. You know it right. Got back. या इसलिए कहते हैं निब्बों को ना इंग्लिश कोचिंग क्लासेस नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि यार इन बंदों में ना वैसे भी इतना सारा स्वैग भरा होता है, और इंग्लिश कोचिंग करने के बाद ना जाने कहां का स्वैग कूट कूट कर भर जाता है। मैं आपको बता दूं कि जब इस बंदे की इंग्लिश कोचिंग क्लासेस का 1 महीना हो चुका था ना, तब यह बंदा दौड़ते दौड़ते अपने घर गया। घर जाकर इसने गूगल खोला और अनन्या पांडे से भी बड़ा वाला स्ट्रगल करके इसने एक पोयम लिखी, और उसके बाद गूगल ट्रांसलेट की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए इस बंदे ने उसे ट्रांसलेट कर दिया अंग्रेजी में और आप लोगों को गाकर सुना दिया। अबे बीच बीच में तीर कहां से चल रहे हैं बे? जैसे सिद्धू मूसेवाला के गाने जट दा मुकाबला में सिर्फ उस गाने का नाम लिया गया है, उसी तरह बिल्कुल सेम उसी तरह से इस कविता में इस बंदे ने सिर्फ गाने का नाम लिया है। और तो और कविता छोड़ो, ये गाना रैप का महाभारत ज्यादा लग रहा है। जिस प्रकार से बीच बीच में तीर चल रहे हैं ना 3D साउंड के साथ, उस तरीके से। और यार इससे ज्यादा मैं फिर से नहीं सह पाऊंगा, और जाते जाते लास्ट में यही कहूंगा कि पिछली बार मैंने लाइक एम रखा था यार, पहली बार 50 लाइक्स का, वो आपने कर दिया। इस बार थोड़ा ज्यादा रख रहा हूं, मतलब 10 ज्यादा, 60 लाइक्स कर दो यार। और वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, उसे रैप समझकर सुन लो या फिर कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, वो बटन दबा दो बस, बाय। और कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि भाई तू कैरी की कॉपी कर रहा है, कर रहा हूं, भाड़ में जाओ, बाय। You out there somewhere? I just wanna bring you home. Yes, I love you. I'm out. I'm feeling.